वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सेक्टर 30 स्कूल। माय सेल्फ एस कुशवाहा टीचिंग फिजिक्स ऑफ क्लास 12। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ। अब पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के एप्लीकेशन। गॉस लॉ का एप्लीकेशन में तीन एप्लीकेशन पढ़ना है आज के सिलेबस में है, एक आगे एक्स्ट्रा ही बता देंगे। फिर आज फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर इस तरीके से है जिसपे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हमें निकालना है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अगर हम यहां से स्फेरिकल का शेयर सरफेस बनाए तो स्फीयर बनाएंगे तो कहीं डिस्टेंस कम कहीं पे ज्यादा तो सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा नहीं। गॉसियन सरफेस की डिफिनेशन जो मैंने बताया था उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर हम कैसा गॉसियन सरफेस बनाते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो P पॉइंट के पास होता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। इस पॉइंट से जो इसका एरिया एलिमेंट वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी डायरेक्शन में मिलेगा। इस पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर मिलेगा लेकिन एरिया एलिमेंट डीएस वही बात यहां पे भी होगा। डीएस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ये गॉसियन सरफेस को ये तीन रीजन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक, ये देखिए आपका गॉसियन सरफेस है जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर, ये आपका गॉसियन सरफेस, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है यूज किया जाएगा। कंसीडर ए फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंथ एल, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड such that dq is equal to lambda dl, dq is equal to lambda dl। अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या नेट फ्लक्स, या यहां पर एक वायर लिया था इस तरीके से और इसे P पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट के पास होता है सिलैंडरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो नेट फ्लक्स आउट ऑफ दी गॉसियन सरफेस निकालेंगे तो phi1 प्लस phi2 प्लस, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसके पास तीन सरफेसेस हैं तीनों से निकाला है। तो phi1 पे आप देखेंगे तो EDS cos 0 डिग्री, phi2 पे जो है EDS cos 90 डिग्री है, इस पे भी EDS cos 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो गया तो नेट फ्लक्स जो मिलेगा वो EDS मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बोलिए आएगा, अब आप निकालें EDS लैम्डा डीएल निकालेंगे।
अगर हम निकाले अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो लैम्डा डीएल अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमने बताया था ऐसा यूज करेंगे। बोलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो ई डी एस की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा डी एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा डी एल एप्सिलॉन नॉट डी एस सिलेंडर, सिलेंडर का जो डी एस होता है वो टू पाई आर एल होता है। ये जो डी एल होगा वो टोटल लेंथ बनेगा, अगर इसे आप इंटीग्रेट करेंगे यहां पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो टोटल लेंथ किसके बराबर, एल के बराबर हमने दिया है तो ई की वैल्यू आएगा लैम्डा एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल क्या कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जो आएगा वो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है स्ट्रेट वायर गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन फाइनाइट प्लेन शीट एप्लीकेशन में दूसरा है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। जिसके द्वारा हमें क्या निकालना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जा रहे हैं प्लेन शीट के द्वारा। ठीक, एक प्लेन शीट है इस टाइप का, इसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसकी सरफेस एरिया भी डीएस इसी डायरेक्शन में, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डीएस सेम डायरेक्शन में, इस रीजन से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डीएस इसके परपेंडिकुलर, इसमें भी ये तीन रीजन में डिवाइड होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इस पे चार्ज की यूनिफॉर्मली एसेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज क्या है इसकी, कंसीडर करेंगे प्लेन शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके द्वारा पॉइंट पी होगा जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट पे पास होता है वह एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे शीट के इनसाइड और आउटसाइड ऐसे पास करना है। नेट फ्लक्स इस शीट के द्वारा निकालेंगे तो इसमें भी फाई वन फाई टू और क्या मिलेगा,
वन और टू का जीरो डिग्री, थ्री का 90 डिग्री, तो EBS cos 0 डिग्री आएगा इसमें, EBS cos 0 डिग्री आएगा इसमें, EBS cos 90 डिग्री है। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो EBS हो जाएगा, यहां से भी EBS, ये तो जीरो हो गया, तो फ्लक्स किसके बराबर, 2EBS के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई जो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन होता है, क्यू की वैल्यू आपको पता ही है सरफेस में सिग्मा डीएस यूज किया जाता है अपान एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा भाई हमें प्रिडिक्ट, टू ई डी एस की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा डीएस अपान एप्सिलॉन, डीएस ने डीएस को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डेल टू प्लेन सीट गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन। आइए हम गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट हो, एप्लीकेशन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, ये मान लीजिए कि स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर कह सकते हैं, जिसपे चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होगा वो क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डीएस होगा, तो डी क्यू की वैल्यू आएगा सिग्मा डीएस, और इसमें जो डीएस होता है वो 4πr² इसका रेडियस हमने क्या लिया है, आर। ठीक, इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आउटसाइड, इस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड यानी जो बाहर है पॉइंट पी पर है, तो गॉसियन सरफेस इस पी पॉइंट से पास करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 1/4πε₀ फ्लक्स फाई की वैल्यू EDS, यहां से जो डीएस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसमें रीजन बनाने की जरूरत नहीं, सब सेम सेम है, EDS का 0 डिग्री आएगा, तो फ्लक्स EDS के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई डी एस की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ई की वैल्यू आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस, डी एस की वैल्यू आएगा 4πr², तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε₀ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल या इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1/4πε₀ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आउटसाइड द सेल है। अगर हम सरफेस का लिखे इसका बी पार्ट एट द सरफेस, सरफेस पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ये जो रेडियस होगा वो यहां से जो पॉइंट है इसे आप इसे कैपिटल आर है, बाकी को जब तक सिर्फ से मापा चला जाएगा। तो क्या होगा एट दिस एड्रेस स्मॉल आर की जगह किसके बराबर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उस समय देखिए फ्लक्स फाई जो मिलेगा वो ई डी एस तो आएगा ही, जीरो डिग्री इसमें भी आएगा, तो ई डी एस जो गैसेस सरफेस का बनेगा यहाँ फोर पाई आर स्क्वायर कैपिटल बनेगा, क्योंकि यदि गैस का गैसेस सरफेस इसके सरफेस के पास करेगा तो आर की जगह ये रहेगा, यहाँ पे स्मॉल आर ये था, यहाँ पर ये कैपिटल आर है। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड बना करके, तो ई की वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, या इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर या एल। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट। अब इसका हम निकालेंगे थर्ड, थर्ड देखिए इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल अगर हम इसके अंदर निकाले तो गैस सरफेस हमारा यहां से पास करेगा आर डैश करके, अगर गैस सरफेस यहां से पास करेगा तो चूंकि हालो स्फीयर है तो चार मिसाइल आपको सरफेस है, तो चार तो इसके सरफेस पर होगा, तो इन साइड चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स जो मिलेगा वो ई डी एस तो रहेगा ही, डी एस की जगह फोर पाई आर डैस का स्क्वायर तो बनेगा ही, लेकिन एक आर डी जो गॉस थ्योरम फ्लक्स लिखेंगे तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई फोर पाई आर डैस का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा ठीक, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि नेट फ्लक्स जो हो जाएगा, चूंकि चार्ज इनसाइड लेते हैं गैस ट्यूब के द्वारा, इनसाइड चार्ज क्या है जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगा ठीक है। ये आपका अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ किस तरीके से प्लॉट, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सेल के द्वारा, स्फेरिकल सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए वेरिएशन बता दें ग्राफ किस टाइप का मिलेगा। आप देखिए अगर इनसाइड थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था जीरो मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये आर है इसलिए ई आ गया, तो इन साइड है तो जीरो, सरफेस पर पहुंच गए तो मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करेगा, यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर कैपिटल आर, यहां पर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और यहां पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, या ये है आपका आउटसाइड, ये हो जाएगा सरफेस और ये हो जाएगा क्या इनसाइड, ये है वेरिएशन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है जीरो है तो इसमें लाइट आ जाएगा, जहां सरफेस पर पहुंचेंगे वही सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद फिर वो डिक्रीज कर घट करके भी इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, बस एंड ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट।
थैंक यू एंड हैव नाइस डे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा या हमारे नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।